मैं हूं आपके साथ आयुष्मा और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। वरुण धवन और आलिया भट्ट इन दिनों करण जौहर की ड्रीम प्रोजेक्ट कलंक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। सोमवार शाम दोनों स्टार्स अपनी शूटिंग कर रहे थे, तभी सेट पर दो सांप दिखाई दिए। सेट पर सांप के आ जाने से अफरा तफरी मच गई। ऐसे में शूटिंग थोड़ी देर के लिए रोक दी गई। फिलहाल वहां मौजूद लोगों ने सांप को उठाकर जंगल में छोड़ दिया है। शूटिंग भी थोड़ी देर रोकने के बाद शुरू हो गई। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा ही हादसा करण जौहर की फिल्म माई नेम इज खान के दौरान हुआ था। शूटिंग के बीच में सांप न जाने कहां से आ गया था। फिलहाल सभी की सुरक्षा के लिए फिल्म कलंक के सेट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक का सेट काफी भव्य बनाया गया है। सोर्सेस के मुताबिक फिल्म सिटी में एक बड़ा सेट बनवाया गया है, जिसके लिए उन्होंने काफी सिक्योरिटी लगा रखी है ताकि कोई उस सेट का फोटो ना लीक कर पाए। सोर्सेज ने बताया कि करण ने इस सेट के लिए 15 करोड़ खर्च किए हैं और इसे एकदम पुरानी दिल्ली जैसा बनाया गया है। करण ने इस सेट को अमृता महल नकी से डिजाइन करवाया है। कलंक की कहानी 1940 पर आधारित है, इसीलिए सेट भी इसी हिसाब से बनाया गया है और इस सेट पर शूटिंग भी चालू हो चुकी है। फिल्म कलंक करण के जीवन में खास महत्व रखती है, क्योंकि ये फिल्म उनके पिता यश जौहर का प्रोजेक्ट है। करण इस फिल्म से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और वो इस फिल्म को अपने करियर की सबसे सफल फिल्म बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि कलंक मूवी में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में दिखेंगे। इस फिल्म के निर्माता अभिषेक वर्मन है और इसकी रिलीज डेट 19 अप्रैल 2019 रखी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।